हेलो एवरीवन, आई एम अनुभा फ्रॉम द फैक्ट हंट टीम। कुछ दिनों पहले कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह दावा किया गया कि इंडिया में कोरोना वायरस क्राइसिस का जो पीक है वो मिड नवंबर में देखा जाएगा। यानी कि इंडिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस हैं वो सबसे ज्यादा मिड नवंबर में देखे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था एक ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के द्वारा, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इंडिया में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होने के कारण कोरोना वायरस क्राइसिस का जो पीक है वो लगभग 8 हफ्तों के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसी के साथ ये भी दावा किया गया कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होने के कारण इंडिया में कोरोना वायरस क्राइसिस का पीक 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया, जिसकी वजह से अथॉरिटीज को सफिशिएंट टाइम मिल गया कि वो कोरोना वायरस पैंडेमिक से निपटने के लिए अपने रिसोर्सेज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकें। पर हम आपको बता दें कि इंडिया की एपेक्स मेडिकल रिसर्च बॉडी यानी कि ICMR ने अपने आप को इस स्टडी से डिसअसोसिएट करते हुए बताया कि इस स्टडी में जो भी दावे किए गए हैं वो मिसलीडिंग और गलत हैं। इसी स्टडी पे एक आर्टिकल की पिक्चर को शेयर करते हुए ICMR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज से ट्वीट किया, द न्यूज रिपोर्ट्स एट्रीब्यूटिंग दिस स्टडी टू ICMR आर मिसलीडिंग। दिस रिफर्स टू नॉन पीयर रिव्यूड मॉडलिंग नॉट कैरीड आउट बाई ICMR and does not reflect the official position of ICMR. PIB Fact Check ने भी इन न्यूज रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें यह दावा किया गया था कि इंडिया में कोरोना वायरस क्राइसिस का पीक मिड नवंबर में देखा जाएगा। साथ ही में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी में कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से ये स्टडी ICMR द्वारा वैलिडेट नहीं की गई थी।